अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, दिस इज़ साजिद अली। और अभी हम जो है वो चारा काटने के लिए आए हुए हैं। सुबह हम काट नहीं सके, किसी वजह से लेट हो गए थे। आप देख भी सकते हैं कि हमारे चारों तरफ वो सरसों के फूल नज़र आ रहे हैं, बरसीम की फसल है हर तरफ। और देखें जी, ये आप देखें, मेरी बैक साइड पर हमारा घर भी है। और मैं अभी, आप सोच रहे होंगे कि मैं किस चीज़ में खड़ा हुआ हूँ, ये क्या चीज़ है नीचे गोल गोल। तो जो नीचे गोल गोल है ये है जी उपले, इसको उर्दू में उपले बोलते हैं। इसको जानवर गोबर से बनाया जाता है और इसको जो है पंजाबी में थापियाँ भी बोलते हैं। इसको एज़ आ फ्यूल इस्तेमाल किया जाता है। और साथ ही आप देखें, ये खड़ा हुआ है हमारा लहसुन थूम, ये देखें। अभी ये तैयार हुआ नहीं है, अभी कच्चा है थोड़ा, इसको काफ़ी टाइम लगेगा, 2 मंथ या इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, मुझे नहीं पता, इसका कंफर्म नहीं है। ये देखें पालक है, पालक अभी पक गई है, मुकम्मल नहीं पकी, लेकिन जो है ना बीज बन गए इसके अंदर। और आगे ही मैं आपको चल के कुछ और दिखाता हूँ। आप देख भी सकते हैं कि हर तरफ जो है वो कभी कहीं पे गंदम है, कहीं पे सरसों है। ये देखें थोड़ा सा धनिया खड़ा हुआ है, ये वाला, ये रहा धनिया, आप देख सकते हैं अच्छे से। ये देखें मैंने इसको तोड़ लिया है, तोड़ के आपको दिखा देता हूँ। ये देखें माशाल्लाह कितना प्यारा है धनिया इसका। और आगे मैं आपको चल के कुछ और दिखाता हूँ, प्याज और मिर्चें। चल के प्याज और मिर्चें लेते हैं। ये देखें जी माजिद चारा काट रहे हैं, ये देखें इसने गांज करवाए हुए, अभी तो इसके बाल बड़े बड़े हो गए हैं, इसने कुछ काट लिया है और कुछ रहता है। वैसे ये थोड़ा काम एहतियात से करने वाला है, क्योंकि मैंने पहले कल परसों काटा 2-3 दफ़ा, तो मेरे ये देखें ग्रांथी लग गई है, ज़ख्म हुए हैं उंगलियों पे। और देखें मैं चल के ना अभी इसमें के काटने में देर है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कुछ और, प्याज और मिर्चें और इसके अलावा कुछ और भी। ये देखें ये हैं जी प्याज, और साथ ही ये देखें मिर्चों का बूटा एक छोटा सा, ये तो अभी अभी लगे हैं, ये एक मिर्चों का बूटा ये है। और ये देखें मैं इसको ना थोड़ा, मतलब इन्होंने जड़ें लगा ली हैं, ये देखें पानी भी लगा हुआ है इसके अंदर, और अभी बिल्कुल छोटे छोटे हैं, मतलब कि काफ़ी टाइम है इनको तैयार होने में, मतलब कि दिन नहीं महीने लगेंगे इनको पकने के लिए। और ये देखें आगे, ये काफ़ी जगह पे लगा हुआ है प्याज। चल के मैं आपको गंदम की फसल भी दिखाता हूँ। आप देखें गंदम की फसल कैसी है, मसला बहुत ही अच्छी इस बार फसल हुई है, क्योंकि कोई भी बीमारी नहीं आई, कुछ भी नहीं हुआ। और ये देखें कितनी प्यारी है, हाय सुभान अल्लाह, बहुत ही अच्छी है। ये जो है छोटा सा रास्ता हमारे घर को जाता है, ये देखें जी आप देख सकते हैं अच्छे से, क्योंकि बहुत ही छोटा है, बहुत ही छोटा, बड़ी मुश्किल से एक बाइक गुजर सकती है। और नेक्स्ट क्या है जी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी हमने अभी चारा काट लिया है, और मैं अब इसको हम इसमें इकट्ठा करेंगे, इकट्ठा करने के बाद हम इसको घर लेके जाएंगे। मैं इसको अब एक एक करके उठाऊँगा, ये देखें जी इसको मैं उठाता जा रहा हूँ एक एक करके। ये देखें जी ज़बरदस्त होता जा रहा है। ये देखें जी अब मैं ये आखिरी जो है वो सब्जी उठा रहा हूँ, और इसमें देखेंगे हम, क्योंकि अभी इसमें इतने ही आते हैं, इसको हम बांधेंगे, बांधने के बाद इसको जो है हम घर लेके जाएंगे। चलें जी आए, अभी हम लेके पहुंच चुके हैं चारा, और इसको हम अभी कुतर के दिखाते हैं आपको। चलें जी, ये देखें जी इधर आ गया, ये देखें जी अभी हमने इनको कुतर दिया है। कुतरने के बाद हम इसके अंदर जो है वो तूड़ी मिक्स करेंगे, ये साथ ही पड़ी है तूड़ी, तूड़ी तूड़ी हम इसको उठाएंगे, ये इसको ऊपर से यहाँ से उठाते हैं। इसके अंदर एक तो जो है ना वो बाघ, क्या बोलते हैं उसको, गर्दो बाघ बहुत सारा होता है, इसके हाथ से इसको उठाना पड़ता है। ये देखें चारे को, और ये मिक्स हो रहा है अच्छे से। इसको मिक्स करने के बाद हम उठा के पैसों के आगे डाल देंगे। देखें अच्छे से मिक्स करने के बाद हम जो है वो, ये मैंने उठा दिया है अपने पीछे, आप देख सकते हैं, और फिर हम इसको डालेंगे जी
ये खड़ी हमारी दोनों गायें हैं, एक भैंस है और दो गायें हैं, एक ये सफेद एक काली और एक भैंस, तो इनके आगे डाल देंगे। बहुत मुश्किल है यार, भारी है। उई माँ, ये देखें, ये देखें इनके आगे हमने दिया है, और नीचे गिर जाएगी। ये देखें, एंजॉय गुड, ये खा रही हैं जी। सो ये था हमारा आज का व्लॉग, अगर आपको अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, एंड मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।